चलो फर्स्ट क्वेश्चन लेते भाई, आपने आपके वीडियो में किसी को आपका ब्लॉगिंग गुरुजी बोला था, तो वो कौन है? इंडिया का नंबर वन यूट्यूबर, सॉरी इंडिया का नंबर वन ब्लॉगर जिसने ब्लॉगिंग इंडिया में आई, जो ब्लॉगिंग इंडिया में लेके आया, ब्लॉगिंग कल्चर इंडिया में लेके आया, मुंबई कर निखिल इज माई ब्लॉगिंग गुरु। उसके तो ब्लॉग देख देख के मैं ब्लॉगिंग सीखा हूँ। कि नेक्स्ट भाई, तुम्हारे एक वीडियो में तुमने बताया था कि तुम्हारे फ्रेंड को ब्लॉग पसंद नहीं है, तो उसे ब्लॉग पसंद क्यों नहीं है? बाय द वे, लव योर वीडियोस। थैंक यू राजन। उसे ब्लॉग पसंद नहीं, उसकी मर्जी है, मतलब हर एक का पसंद नापसंद अलग अलग होता है। उसको नहीं पसंद ब्लॉग, मैं नहीं कुछ बोलता, बस इतना ही बोलता हूँ। अगर मैं तुम्हारे सामने ब्लॉग कर रहा हूँ तो मुझे रोकना मत, और वो ऐसे करता भी नहीं है। अगर मेरे सामने अगर उससे ब्लॉग करता हूँ तो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मुझे पसंद है ब्लॉग, उसे नहीं पसंद। मुझे तो पसंद है, मैं तो करूँगा, ऑब्वियसली बात है। वो कुछ बोलता नहीं, मुझे उसे पसंद नहीं, वो शांत बैठे जगह पर। नेक्स्ट, ये लो। ओके, सो अब आप ये वाला चैलेंज अभी करने वाले, डू प्रैंक कॉल टू अनूप पाटिल। तो ठीक है, अनूप को करती है प्रैंक कॉल। आ जाओ अनूप। अनूप किधर गया? अनूप अनूप का कॉन्टैक्ट में किधर गया नाम? हाँ ये रहा। पहले COVID-19 का दिखा देते भाई, कॉल उठा ले। ये लगता नहीं उठाएगा। अनु एक कॉल में कभी कॉल नहीं उठाता। एक कॉल में कभी कॉल नहीं उठाएगा वो। सेकंड कॉल करना पड़ेगा। जाने दो, बाद में कॉल आ जाएगा तो देख लेंगे उसको। A few moments later. ओके, सानू का कॉल आ चुका है। हेलो हेलो। हाँ बोल। अरे कुटेस, अरे गावडीच्या मंदिरात तुम्ही रोज आरतीला जातो ना, आरतीला आली होती, आरतीला होतो मी। अरे पण तुला काही ईमेल वगैरे आला का यूट्यूबचा? काय आला? तुला ईमेल आला का यूट्यूबचा? कसला ना लाडे कसला? अरे तुझ्या व्हिडिओ वरती स्ट्राईक पडले। कोणाच्या? काय माहिती, एक चॅनल आहे, काय त्याचं नाव, ट्रॅव्हल फन, त्यांनी सांगितले की त्यांच्यासारखी सेम व्हिडिओ बनवलेस म्हणून स्ट्राईक दिले। अरे हॅलो। हां बोल। ते बोलतायत की सेम त्यांच्यासारखी व्हिडिओ बनवली म्हणून त्यांनी स्ट्राईक दिले। तुझं चॅनल माझ्याकडे आहे ना, ईमेल आहे, मला पण माझ्याकडे पण आहे ना, मग मला ईमेल आला। तुझी हां काय आलं म्हणजे? म्हणजे ते बोलतायत की सेम त्यांच्यासारखी व्हिडिओ तू बनवली, कॉपी केली म्हणून त्यांनी स्ट्राईक दिली। अरे एक चॅनल आहे ट्रॅव्हल फन म्हणून त्यांची। अरे पण तसं बोलतायत ते, त्यांनी स्ट्राईक पाठवले डायरेक्ट, व्हिडिओ स्ट्राईक दिली। बघ आता ईमेल आले का तुला, बघ चेक कर। अरे ईमेलच्या याच्यात माझ्या इकडे माझ्या फोन मध्ये आले ईमेल। चला पहिलाच व्हिडिओ स्ट्राईक, अजून दोन स्ट्राईक आल्या, चॅनल डिलीट होत तुझा। हे नाही का आलं मला, म्हणजे काय आलं तिला, काय लिहून आलं?
योर वीडियो इज कॉपीड बाय कॉपीड ऑफ द ट्रैवल फन चैनल, दैट्स व्हाई दे गिव द स्ट्राइक. स्ट्राइक म्हणजे बाबा डेंजर चीज आहे, अजून दोन स्ट्राइक पडले ना तुला, चॅनल डिलीट. अरे ते तू नाही केलं माहिती आहे, पण त्यांना वाटते तू कॉपी केलेस. हा हा ऐक आता, हे बघ तुझ्या प्रँक केले मी, तुला प्रँक केले, प्रँक कॉल. अरे क्यू एन ए करतोय ना, तर क्वेश्चन मध्ये एकाने सांगितलेलं अनुपला प्रँक कॉल कर. क्यू एन ए व्हिडिओ शूट करत होता, तर एकाने मला सांगितलेलं म्हणजे कमेंट केलेलं की अनुपला प्रँक कॉल कर म्हणून केलं. एक रेकॉर्डिंग चालू आहे. हाय बोल, हाय बोल, हाय बोल, रेकॉर्डिंग चालू आहे. काय नाही, क्यू एन ए व्हिडिओ शूट करत होतो ना आता, काय नाही टाइमपास करतोय मी, तर त्याचे कमेंट आलेलं की डू. हा अरे एक बोन मामचा फेक अकाउंट आहे रे, त्यांनी सबस्क्राईब केले ना मला, तर त्यांनी पाठवलं मला कमेंट सेक्शनमध्ये. सर माझी लास्टची व्हिडिओ ना 100 सबस्क्राईबर वाली, त्याच्या कमेंट्स मध्ये दिसलं भुवन माम म्हणून एक अकाउंट आहे, फेक अकाउंट आहे, तर त्यांनी सांगितलं प्रँक कॉल करून. चल हा दॅट्स अ नाईस प्रँक असं. ओके नेक्स्ट, फेक कॅरिमिनाटी. हु इज योर टॉप 5 फेवरेट यूट्यूबर्स, गिव देम अ टॉप 5 रँकिंग एंड सेम गोस टू व्लॉगर्स. ओके टॉप 5 फेवरेट यूट्यूबर, तो नंबर 5 से शुरू करते हैं हम लोग. ओके नंबर 5 पे मुंबई का निखिल, नंबर 4 पे है एंग्री प्लाश, नंबर 3 पे है आशीष चंचलानी, नंबर 2 पे कैरी मिनाटी, और नंबर 1 पे ऑल इज भुवन बाम. ऑलवेज यार. सो सेम गोज टू व्लॉगर्स, तो इतना याद नहीं आ रहा अभी कौन से व्लॉगर को मैंने किए. सो अभी टॉप 4 ही लगा देता, अगर मुझे कोई याद आए तो उसको मैं डाल दूँगा बीच में. सो फोर्थ पे मैं लेता हूँ एम एस के ब्लॉग्स को, एम एस के. थर्ड पे लेता हूँ मैं आकाश जोडेजा जादू, सेकंड पे फ्लाइंग बीस्ट, और फर्स्ट पे ऑलवेज अपना ब्लॉगिंग गुरु मुंबई कर रखे. के नेक्स्ट भाई, आप तीन चैनल कैसे चला लेते हो और क्या लगता है आईपीएल 2020 कौन जीतेगा? तीन चैनल चला लेते, मतलब मुझे जिस टाइम जो आइडिया आता है फिर मैं उस चैनल पर जाके कर देता हूँ. अभी अभी कोई फनी वीडियो, फिर कोई रोस्टिंग वीडियो का आइडिया है तो मैं वो वीडियो कर देता हूँ, खिलजी मुझे पोस्ट करता हूँ. और अगर मुझे बीच में अगर इस चैनल पे कुछ वीडियो बनाने का आइडिया, और वैसे भी इस चैनल पे ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ मैं अभी फिलहाल, तो मैंने सब ब्लॉग्स वगैरह बंद कर दिया. अभी सिर्फ ट्रैवल वगैरह सब कुछ करूँगा, तो वही पे ब्लॉग करूँगा मैं. सो इस पर सिर्फ ट्रैवल करूँगा. कभी अगर खाली बैठा बोर हो गया तो गेमिंग वीडियो, अभी कुछ मुझे गेमिंग चैनल पे इतना मालूम नहीं कि क्या करूँ अभी, क्योंकि लाइव स्ट्रीम भी कर नहीं सकते. यूट्यूब ने वही पॉलिसी है कि 1000 के कम सब्सक्राइबर वाले लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते, तो मुझे अभी एडिट वगैरह करके फनी वीडियो बनानी पड़ेगी. सो उसी का मैं कुछ ट्राई करूँगा, अभी लाइव स्ट्रीम तो कर नहीं सकते. और क्रेजी बंदी चैनल पे तो आते ही रहेंगे वीडियो, हर महीने आते रहेंगे, कभी कभार एक एक महीना छूट जाएगा क्योंकि हमारे पास आइडियाज ज़रा कम पड़ रही है, लॉकडाउन की वजह से मिल भी नहीं पा रहे, आइडियाज भी कम पड़ रहे हैं. इसीलिए मुझे लगता नहीं कि जब तक लॉकडाउन वैक्सीन आती है तब तक ऐसे हर महीने वीडियो आते रहेंगे, लेकिन हर महीने आने के लिए हम ट्राई करेंगे और कभी कभी एक महीने के ब्रेक भी लेंगे. और क्या लगता है आईपीएल को जीतेगा? देखो मैं आईपीएल के सारे टीम को सपोर्ट करता हूँ, सारे टीम अपने, लेकिन इस साल मुझे लगता है कि फाइनल आरसीबी दिल्ली में होगा, दिल्ली जीतेगी, दिल्ली के जीतने दर चांसेस है. और मैं मुंबई सपोर्टर, लेकिन मैं दिल्ली को सपोर्ट कर रहा हूँ, लिटरली मुंबई दिल्ली के मैच चलते, दिल्ली का भी सपोर्ट कर रहा हूँ. मेनी यूट्यूबर्स यू हैव सब्सक्राइब, टेल द नेम ऑफ ऑल यूट्यूबर्स एंड इन देम होम यू सब्सक्राइब फर्स्ट एंड हाउ यू गेट द यूट्यूबर चैनल बाय द वे लव योर वीडियो. थैंक यू सो मच. अरे ये तो ये मेरी लाइव स्ट्रीम पे आती है हर बार. सो मैं कितने चैनल को सब्सक्राइब कर चुका हूँ, आज जाओ देखते हैं. बहुत सारे, वैसे बहुत सारे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुका हूँ, सबके फटाफट नाम लो फटाफट ऐसे फट रखे. ओके लिसन, कुछ मेरे दोस्तों की भी. सो प्यूडीपाई, कैरीमिनाटी, तन्मय भट्ट, एम एस के व्लॉग्स, मेरा खुद का चैनल शिविर, ए पी व्लॉग्स, चपाती हिंदुस्तानी गेमर, अभिषेक उपमन्यु, मॉर्टल, आशीष चंचलानी, वाइस ब्यूनिक, फंचो, शैनिस्टेस्टर व्लॉग्स,
स्पाइडर एडिट्स, मार्शमेलो, क्रॉटन गेमिंग, फैक्ट टैक्स, बायोस्कोप, लिसन टू मी, बीस बॉय शो, मीम मिनिया, एलन वॉकर, एनएस म्यूजिक जोन, श्रीमान लेजेंड लाइफ, अनुभव सिंह बस्सी, बैटल किंग, द रॉनी शो, फ्लाइंग बीस, मुंबई करने खेल, टेक्निकल गुरुजी, बीलाय कबीर, वी के मराठी, अनमोल सच्चर, बी एव आई सेस, आकाश जोडेजा, अनिशा दीक्षित, बक्चुदीवाला टेक, रॉकस्टार ड्यूड, मंडवी जोन, हिंदुस्तानी गेमर, लॉगी इमर, आशीष चंद्र त्रेया, इसका नाम मुझे ठीक से आता है सॉरी, हर्ष बेनीवाल 2.0, हर्ष बेनीवाल, न्यून मैन, ट्रैक बर्नर, जशन सिरवानी, गरीब, सिमरन धनवानी, स्काउट द, रोहित साधवानी, मो व्लॉग्स, अमित बड़ाना, एस टू लाइफ, जूब, नोबॉब, वॉट द फुकरे, ट्रिगर्ड इंसान, एम एन एम म्यूजिक, कुणाल छाबरिया, फाइनेंस लीग, यानी 2.0, जाकिर खान, आला मोटा शाना, बाबा बक्चर, बाबा जी, न्यूट्यूबर, सनम, वॉयलिनिस्ट कोहिर, प्रीत बांद्रे, डायनमो गेमिंग, बीबी की वाइस, मार्टे गॉगन, ये नया कुछ है, हितेश केस, इंदी गेमिंग, अभी एन न्यू, स्ले पॉइंट, केसी नाइस्टैक, वंडर सब, मेलविन लुइस, मोस्टली सेम, विद पैट प्रा, गैजेट सोन, आरजे, अभिनव, साइमन सेज, एंग्री प्राश, और तो शुभम का हैंड रेडर गेमिंग है। सो इनमें से मैंने सबसे पहले सब्सक्राइब किया था एंग्री प्राश को, मैं 10th स्टैंडर्ड पे था और मेरे एक दोस्त ने मुझे इसके वीडियोस दिखाए थे और मेरे और भी उसके वीडियोस बनाने देखना शुरू कर दिए और मुझे पसंद आने लगे, तो मैं सबसे पहले सब्सक्राइब किया था मैंने एंग्री प्राश को इन सारे लिस्ट में। सो बढ़ते अभी अपने अगले, आपका नेक्स्ट ट्रैवल व्लॉग कब आएगा ब्रो, मैं भी मार्च से घर पे बैठा हूँ, आप मारने वाले हो जी, थम्स अप। नेक्स्ट ट्रैवल ब्लॉग्स कब आएगा, जब मेरी जब वैक्सीन आएगी, मैं पक्का बोल रहा हूँ, जिस दिन वैक्सीन आएगी ना, जिस दिन मैं वैक्सीन मुझे मिलेगी इन 30 डेज आई थिंक सो, लेकिन गारंटी दे दो, पेरेंट्स से दे दो, फैमिली मेम्बर्स या फिर फ्रेंड्स से कहीं तो घूमने जाऊँगा, मतलब एक दिन की ट्रिप हो तो भी चलेगा, आ जाओ ऐसे एक दिन में हो गया तो भी चलेगा, लेकिन पक्का जाऊँगा, उसका ब्लॉग मैं पक्का बनाऊँगा और मैं भी मार्च से कर, गुड जॉब। वैसे कुछ लोग बोल रहे हैं तो घर पे क्यों रह रहा है, अभी लॉकडाउन खुल गया, बेसिकली लॉकडाउन खोला है क्योंकि इकोनॉमी गिर रही थी, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन इसीलिए खोला क्योंकि अपनी इंडिया की इकोनॉमी गिर रही थी, उसको वापस बैलेंस करना इसीलिए लॉकडाउन ओपन किया, और लॉकडाउन ओपन करते वक्त गवर्नमेंट ने रूल निकाला है कि अगर काम हो तो ही बाहर निकलना है, बिना काम के बाहर निकलना नहीं, लेकिन लोगों ने उस रूल को किया इग्नोर और आप वो खुशहाल घूम रहे। मैं कुछ बोलने के वाला जाने दो, पिछले ब्लॉग में आपने देखा था मैंने स्टे होम से बोला ही नहीं क्योंकि कोई सुनने नहीं वाला, सब अब तुम घूमो मरो। ओके नेक्स्ट, ब्रो आपके क्रेजी बनते चैनल के ओल्ड वीडियोस डिलीट क्यों किए, सोचने वाले इमोजी और सोचने वाले इमोजी, कुछ ज्यादा सोचने वाले इमोजी, बाय द वे लव योर ब्लॉग, गुलाबी दिल, थैंक यू सो मच टू सरटेक। ओल्ड वीडियोस मैंने डिलीट नहीं किए, ओल्ड वीडियोस एक्चुअली YouTube के ग्लिच की वजह से डिलीट हो चुके थे, हमने YouTube को भी ईमेल किया तो YouTube का रिप्लाई कि सॉरी एक ग्लिच की वजह से डिलीट हो चुका और नहीं आ सकते वीडियो वापस, लेकिन टेंशन नहीं है, मैं अभी जितने मेरे तीनों चैनल में जितने भी वीडियोस जाता हूँ वो सारे तीनों चैनल का मैंने बैकअप चैनल भी बनाया है, मतलब आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे बैकअप चैनल पे भी वीडियो डाल चुका हूँ, अभी समझो ये वीडियो डिलीट हो गई तो बैकअप चैनल पे उस वीडियो को पब्लिक कर दूँ, प्राइवेटली अपलोड के पब्लिक कर दूँगा, फिर आपको वापस जाके वो दिखाई देगा वीडियो। ओके नेक्स्ट, भाई यूट्यूब क्यू एन ए शूट करते वक्त ये क्वेश्चन मुझसे गलती से रह गया था, सो आप मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सो यूट्यूब वीडियो जो उसने जो बोला क्वेश्चन जो पूछा था वो मराठी में पूछा था तो उसका ट्रांसलेट करता हूँ, वो पूछ रहे कि यूट्यूब वीडियो बनाने की आइडिया कहाँ से आई। सो जैसे मैंने कहा था मैं सब्सक्राइबर एंग्री बैस को सब्सक्राइब किया, फिर जाके आशीष को सब्सक्राइब किया, फिर बीबी ऐसे अलग अलग यूट्यूब सब्सक्राइब करता गया, बाद में जब मैं उनकी वीडियोज़ देखता था मैं सिर्फ तभी रोस्टर्स वगैरह की वीडियो नहीं देखता था, मैं सिर्फ फनी जो बीबी और आशीष से जो वीडियो बनाते उनके वीडियोज़ देखता था मैं, तो वो बनाते हुए ना मैं जब भी अभी समझो आशीष की कोई वीडियो किसी के ऊपर किसी टॉपिक के उसने वीडियो बनाई, सो वो वीडियो देखने के बाद मैं सोचता था ऐसे उस टाइम कि अगर इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई तो क्या मैं कॉमेडी कर सकता हूँ, तो मैं ऐसे वीडियो दिमाग में बनाता था, मेरे स्क्रिप्ट वगैरह दिमाग में आता था और मेरे कुछ फ्रेंड्स को मैं सुनाता था, फ्रेंड्स को मज़ा भी आता था, उनको फ़नी लगता था, उनको मज़ा आता था सुन के मेरी स्टोरीज वगैरह फ़नी वीडियोज़ टाइप। सो मैंने भी सोचा कि देखता यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता हूँ, लेकिन मुझे टीम की ज़रूरत थी, मैं अकेले नहीं कर पा रहा था और मेरे पास कुछ एडिटिंग का सॉफ्टवेयर भी नहीं था, बस एक बार मेरे पास एडिटिंग का कुछ आ गया ना ऐप वगैरह सॉफ्टवेयर कुछ, सो मैं कर सकता हूँ, मुझे मेरे पास टीम नहीं थी तभी,
मैंने जब ये फ़ोन लिया तो ये फ़ोन मैं जून 2018 में लिया था, और फिर नवंबर को मुझे कुछ एडिटिंग के ऐप्स मिले, मैंने सर्च वगैरह किया तो मुझे एक ऐप मिला। अब मैं वो यूज़ नहीं कर रही क्योंकि उसका थोड़ा एडिटिंग का प्रॉब्लम था, सीन चेंजिंग का। अभी मैं अलग यूज़ करता हूँ। सो मेरे पास ऐप था लेकिन अभी टीम नहीं है मेरे पास। मैंने देखा कि शुभम जो मेरे टीम का मेंबर है उसको बहुत इंटरेस्ट है इसमें, सो मैंने शुभम को लिया। अनु मेरे साथ था हर बार, मतलब मोस्ट ऑफ द अनु के साथ ही घूमता था, अभी भी घूमता हूँ। सो अनु को ही पूछा तू आएगा क्या, तो अनु बोला ठीक है आ रहा हूँ। सो ऐसे आए। फिर जून 2019 को श्रेयस और आदित्य भी ज्वाइन किए। ऐसे करते हुए टीम ऐसी बनी हमारी और वीडियो बनाना शुरू हो चुके। और फिर जब मैंने हम फर्स्ट वीडियो सेकेंड वीडियो शूट कर रहे थे हमारी चैनल का, क्रेजी बंदी चैनल का, तो तब मैंने आशीष की एक वीडियो थी पबजी की, उसका एक BTS वीडियो देखा था जो जादू ने शूट किया था। तो मैंने सोचा कि मैं भी ऐसे चैनल खोल लेता हूँ और BTS वगैरह शूट करता हूँ मेरे चैनल का। लेकिन हुआ उल्टा, वो BTS चैनल की वजह अभी ये मेरा ब्लॉग चैनल है जिस पर आप मेरे वीडियोज़ देख रहे हो। और गेमिंग चैनल मतलब मैं यूट्यूब पर आना चाहता था उससे पहले, लेकिन मेरे पास कुछ था नहीं गेमिंग चैनल खोलने का, मेरे पास था आइडिया क्योंकि एक ऐप है यूट्यूब गेमिंग का, यूट्यूब का ऑफिशियल ऐप है लाइव स्ट्रीम करने के लिए, लेकिन आप यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से वो उस पर हम स्ट्रीम नहीं कर सकते, लेकिन उस वो ऐप लेके मैं स्ट्रीम करता था यूट्यूब पे। सो मेरा गेमिंग चैनल कुछ हुआ अगस्त को बना, और बाकी दो चैनल मैंने, ये चैनल क्रेजी बनती मैंने दिसंबर को बनाया था। सो वैसे ही आइडियाज आते रहे, आज भी ऐसा ही करता हूँ मैं, अलग अलग टॉपिक लेता हूँ उस पर आइडिया बनाना शुरू कर देता हूँ। सो अगर उस दिन अगर मेरे जिस मैं उस फ्रेंड को शॉट आउट देता, प्रतीक, आपने मेरे एक ब्लॉग में देखा होगा उसको, एक दो ब्लॉग में मैं उसको इंस्टाग्राम लाइव किया था उसके बाद मैंने। सो उसने मुझे एंग्री बर्ड्स की वीडियो दिखाई थी और तब से मेरे यूट्यूब की जर्नी शुरू हुई। यही आइडिया था। तो क्या तू सिंगल है? अगर है तो कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? आंख मारने वाला इमोजी, धक 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 दिल, गुलाबी दिल। मैं सिंगल और सिंगल ही रहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ऐसी लड़की चाहिए वो मिलेगी बिल्कुल नहीं, इसलिए मैं सिंगल ही रहना चाहता हूँ। अगर आपको जानना है मुझे लड़की चाहिए जो यूट्यूबर हो और ख्याल और विचार मेरे जैसे हो, एकदम से मिलते हो मेरे जैसे, अभी ढूंढो, मिलेगी भी नहीं। सो या क्वेश्चंस ख़त्म, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस Q&A। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। एट दी एंड से गुड, डू गुड, नेवर गिव अप। स्टे होम से बोलने नहीं वाला, तुम लोग बाहर घूमो और मर जाओ। बाय। They were sleeping, they were snooze on me. I was dreaming, but with food to eat.